हम इस पे एहतजाज करेंगे और एहतजाज अपना रिकॉर्ड कराएंगे। और अर्शदीप ने जनाब देखें कंसिस्टेंसी जो है पेड ऑफ होती है। अर्शदीप ने जो मेरे नजदीक सबसे बेस्ट विकेट था वो हेनरिक क्लासन का था। माय गॉड व्हाट अ पीच ऑफ अ डिलीवरी। हेनरिक क्लासन वाज बीटन ऑल हैंड्स अप एंड ही वाज स्टंड कि ये मेरे साथ हुआ क्या है, व्हाट हैपेंड टू मी। एक पर्लर विकेट जहां पे 300 रन एवरेज है वेंडर्स की, जहां टॉस जीत के हेवन है। ऑस्ट्रेलिया इज नॉट एन इजी प्लेस, यहाँ पर बड़े बड़े टीमें जाकर फंस जाती हैं, मगर इंडिया ने जाकर जीता है पिछले दफा, तो हमारी और उनकी टीम में बड़ा फर्क है। हमारी अब टीम को यह साबित करना पड़ेगा, हम तो 95 से नहीं जीते हैं, 5 सीरीजें हम हार चुके हैं। आखिरी दफा 2010 में हमने 20 विकेटें ली हैं, हमने 20 विकेटें नहीं दी 2010 के बाद। दोस्तों स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल पे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका जो ये सीरीज खेली जा रही है, और ये 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जा रही है। उसमें पहला मैच यहाँ इंडिया ने एक तरफा हरा दिया है साउथ अफ्रीका को, और साउथ अफ्रीका में घुस के इंडिया ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया और साउथ अफ्रीका को अपनी यंग टीम से इंडिया ने हरा दिया है। बात करें साउथ अफ्रीका की, तो साउथ अफ्रीका की भी तो बॉलिंग नहीं अच्छी है, पर उनकी बैटिंग काफ़ी अच्छी है और बैटिंग में काफ़ी उनके पुराने प्लेयर खेल रहे हैं। तो इंडिया ने एक तरफा मैच में हराया और 117 रनों पे ही आउट कर दिया। तो बात करें तो 8 विकेटों से इस मैच को जीत लिया है। तो आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन आ रहा है इस पे। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक करेगा, धन्यवाद दोस्तों। सारी हर्षदीप सिंह ने दावा बोल दिया, मुझे तो लग रहा है आज खेले नहीं जंग लड़ने आए थे। जिस तरह उन्होंने आरतेसार टीम साउथ अफ्रीका को बैक एंड पे धकेल दिया, उसके बाद टीम साउथ अफ्रीका आ ही नहीं सकी आगे। शुरू से उन्होंने मोमेंटम गेन कर लिया, उसके बाद अविष्कान आया दूसरे एंड से, वो शुरू हो गए हैं, तो करते करते जी 116 पे ऑल टीम आउट कर दी। ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ा सबक है, ये कह रहे थे जी टीम इंडिया सिर्फ अपने होम ग्राउंड में खेल सकती है। देखिए जब 116 का टारगेट मिलता है तो हम बैटिंग पे तो बात कर नहीं सकते, क्योंकि ये T10 का टारगेट हमें लगता है, वनडे तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, बात करें अगर तो 116 पे ऑल आउट किया है, इस पे बात हम कर सकते हैं। तो सिंह इज किंग, आज वो फायर में थे, पता नहीं बॉल थी उनके हाथ में या क्या था। इंडिया की इतनी बड़ी टीम जो वर्ल्ड कप में जाके हाईएस्ट रन्स बना रही है और यहाँ पे आके कभी 95 पे आउट हो रही है, कभी जाके वो 116 पे पूरी टीम बुक हो रही है। ना उनके प्लेयर्स चल पा रहे हैं, ना उनकी बॉलिंग, ना बैटिंग, मतलब कि वो तो खुद ही कंफ्यूज हुए हैं। उनकी पिचेस बनाई हुई हैं, उनका सारा कुछ है। लोग बड़े कह रहे थे इंडिया जाके परफॉर्म नहीं कर पाएगा, इंडिया ने तो उनके मुँह भी बंद कर दिए। जिस तरह से उनका डेब्यूटेंट वो सिद्धार्थसन लड़का है, उसने डेब्यू पे 50 कर दी है, साथ में सुरेश अय्यर एक्सपीरियंस वाला लड़का था वो लेके चला है, तो टीम इंडिया अपना बैकअप हो गया, अपना प्रेजेंट हर चीज़ को इतना जबरदस्त लेके जा रहे हैं कि टीम इंडिया की परफॉर्मेंस को हम सम अप कर ही नहीं सकते। वीडियो को लाइक करें, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, इंस्टा का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। भाई इंडिया ने साउथ अफ्रीका का पहले वनडे मैच में पकड़ के घंटा बजा दिया है। इंडिया की बी टीम थी, साउथ अफ्रीका की मेन टीम थी, पकड़ के क्या बजा दिया है, घंटा, ऑफिशियली घंटा बजा दिया पहले वनडे मैच में इंडिया ने, वो भी साउथ अफ्रीका का, साउथ अफ्रीका में। पाकिस्तान वाले भाईजन डंडा चला गया अंदर कि हमारी टीम तो सही ऑस्ट्रेलिया में पहली गई है, इंडिया साउथ अफ्रीका में किस तरह जीत गया है। बेटा इंडिया की ये बी या सी टीम थी जिसने साउथ अफ्रीका की मेन स्ट्रेंथ को जाके पेल दिया, जाके बजा दिया उनका घंटा। बेटा उनका यंग टैलेंट अवेश और अर्शदीप, कोई वनडे क्रिकेट का उनके पास कोई 200 मैचेज का एक्सपीरियंस नहीं है। टोटल दोनों के मिला के 11 मैचेस बनते हैं और दोनों ने 9 विकेटें ली हैं। और साई सुदर्शन डेब्यू पे 50 मार गया, ये टैलेंट है इंडिया का। घंटो आपका टैलेंट किधर है, का कोई नहीं चल सकता इंडिया के बॉलर के सामने, कोई नहीं टिक सकता। क्यों है इसकी तरफ से, अर्शदीप सिंह बहुत अच्छा बॉलर है और वो कुलदीप को पीछे तो छोड़ देगा और वो नंबर वन बॉलर होगा इंडिया। यार किसी को टिकने ही नहीं दिया इंडिया के बॉलर ने, मतलब भाई डेविड मिलर, क्लासन, मार्करम, कोई भी नहीं टिक ही नहीं सका। यार ये क्या करते जा रहे हैं, एक से एक बढ़कर इनका जो है बॉलर जो है अपनी परफॉर्मेंस दिखा रहा है। पाकिस्तान भी हार गया तो पाकिस्तान भी नहीं जीत सकता, तो इंडिया सारी टीमों से बेहतर खेलता है। फोर्थ की हो गई है इनकी, साउथ अफ्रीका के अंदर ना आज का दिन ब्लैक डे मनाया जाएगा। तो आप लोगों ने जैसा देखा वीडियो में कि पाकिस्तानी पब्लिक कैसे बात कर रही है कि हमारी टीम एक तरफ ऑस्ट्रेलिया में जलील हो रही है, 360 रनों से हारा है मैच को, और यहाँ हमारी जो इंडियन टीम है वो एक तरफा हरा रही है साउथ अफ्रीका जैसी एक बड़ी टीम को, और वो भी साउथ अफ्रीका में जाके। तो ये काफ़ी बड़ी बात है और इसी पे पाकिस्तानी मीडिया बात कर रही है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें, धन्यवाद दोस्तों।